नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुलशेष, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नया यूनिट यूनिट नंबर 3 डेडलॉक शुरू करने वाले हैं। तो डेडलॉक को पूरा स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम व्हाट इज डेडलॉक इसका एक फंडामेंटल स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है तो व्हाट इज डेडलॉक एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक। अब आप देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पर। इस डायग्राम में कुछ प्रोसेसेस हैं और कुछ रिसोर्सेज हैं। ये प्रोसेस हैं P1 और P2 प्रोसेसेस हैं एंड R1 एंड R2 जो रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2, ये जो रिसोर्सेज हैं। तो हम कब डेडलॉक कहेंगे? अ डेडलॉक हैपन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू और मोर प्रोसेस नीड मोर रिसोर्सेज टू कम्प्लीट देयर एग्जीक्यूशन दैट इज हेल्ड बाई द अदर प्रोसेस। मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सिचुएशन जहाँ पर कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस रन कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, और हर प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज जो उसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए होते हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेज को उसने होल्ड कर रखा है अपने पास में। जैसे प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 होल्ड कर रखा है, तो कुछ प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और उसको कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे तरह का रिसोर्स भी चाहिए। जो दूसरे तरह का रिसोर्स है वो किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि ना तो प्रोसेस पहला प्रोसेस ना ही दूसरा प्रोसेस, इन दोनों की जो प्रोसेस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पा रही है और दोनों ने एक दूसरे कुछ रिसोर्सेज तो होल्ड कर रखे हैं और कुछ जो रिसोर्सेज हैं उसकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो प्रोसेस P1 का पूरे रिसोर्स पूरे होंगे, नई प्रोसेस P2 के रिसोर्सेज पूरे होंगे और ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे, वो रेडी स्टेट में नहीं आ पाएंगे। तो जब वो रेडी स्टेट में नहीं आ पाएंगे तो डेफिनेटली वो रन नहीं हो पाएंगे और रन नहीं हो पाएंगे तो वो एग्जीक्यूट होके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और अपने रिसोर्सेज को रिलीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कब तक चलती रहेगी? इनफाइनाइट टाइम तक ये सिचुएशन चलती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम में डेडलॉक होना बोलते हैं। अब देखिए, जैसे इन दिस डायग्राम द प्रोसेस P1 हैज रिसोर्सेज R1, P1 के पास में रिसोर्स R1 है, ये देखिए एरो बता रहा है P1 के पास में R1 है एंड नीड अ रिक्वायर्ड रिसोर्स R2 की वो रिक्वायरमेंट बता रहा है। ये एरो जब प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाता है तो क्या है, ये रिक्वायरमेंट बता रहा है, डिमांड कर रहा है इसकी। सिमिलरली प्रोसेस P2 जो है वो भी उसने भी कहते हैं जो रिसोर्स R1 को होल्ड कर रखा है और रिसोर्स R2 को होल्ड कर रखा है, सॉरी प्रोसेस P2 ने रिसोर्स R2 को होल्ड कर रखा है और वो रिसोर्स 1 की रिक्वायरमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो दोनों सिचुएशन बन रही है ये क्या हो जाएगी, किसी की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी और हम कहेंगे कि ये एक डेडलॉक की सिचुएशन है। अब किसी सिस्टम में डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉफमैन ने कुछ कंडीशंस दी। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉफमैन कंडीशंस फॉर डेडलॉक के लिए हम बोलते हैं। डेडलॉक ऑकर्स इफ द 4 कॉफमैन कंडीशंस होल्ड्स ट्रू। अगर ये चारों कंडीशन जो इन्होंने दी हैं, ये चारों के चारों कंडीशन किसी भी प्रोसेस के किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर सिस्टम में ट्रू हो जाती हैं सारे प्रोसेस के लिए, तो उस सिस्टम में डेफिनेटली कोई ना कोई डेडलॉक है या आने की संभावना है। बट दीज कंडीशन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कंडीशन हो जाए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑल द 4 कंडीशन मस्ट बी साइमल्टेनियसली डन इन द सिस्टम। द कॉफमैन कंडीशन आर गिवन बिलो, कौन सी? एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी होल्ड एंड वेट, तीसरी नो परमिशन एंड चौथी सर्कुलर वेट। तो ये 4 कंडीशन है। अब हम एक एक कंडीशन को इसको समझेंगे, कंडीशन है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देयर शुड बी अ रिसोर्स डेट कैन ओनली बी हेल्ड बाई 1 प्रोसेस एट ए टाइम इन द सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि क्या होंगे, सिंगल इंस्टेंट होंगे, जो कि एक ही होगा, अपने तरह का सिंगल रिसोर्स होगा, ठीक है। वो रिसोर्स अपने तरह का केवल एक ही रिसोर्स होगा और वो रिसोर्स जब किसी एक प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा, जैसे किसी प्रोसेस P1 को अलोकेट हो गया, तो यदि वो रिसोर्स जो कि सिंगल है वो किसी प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को अलोकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, इसलिए उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर किसी दूसरे प्रोसेस को वो नहीं एलोकेट किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, इस रिसोर्स का इस प्रोसेस को एलोकेट होना, इस रिसोर्स का किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट होना रोक देगा
और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक इंस्टेंट हो गई, ये इंस्टेंट हो गई, तो ये दूसरी जितनी भी पॉसिबल इंस्टेंट हो सकती है उन सबको वो रोक देगा। ऐसी इंस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इन द डायग्राम बिलो देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर वन, सिंगल इंस्टेंस है एंड इट हेल्प बाय द प्रोसेस पी वन ओनली, तो ये किसी भी दूसरे प्रोसेस को इसको एलोकेट होने से रोक देगा। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या है, अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्रोसेस विच इज आर होल्डिंग देम। इन द डायग्राम बिलो प्रोसेस टू होल्ड रिसोर्स टू, प्रोसेस टू है दो रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है एंड रिसोर्स थ्री इज रिक्वायरिंग द रिसोर्स वन इज होल्डिंग द प्रोसेस वन, प्रोसेस वन के पास में। देखिए अब आप देखिए इस डायग्राम को समझिए, ये रिसोर्स वन है, ये रिसोर्स टू है, ये थ्री है। मतलब हमारे पास में उस सिस्टम में उस मोमेंट पर तीन रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स वन, रिसोर्स टू और रिसोर्स थ्री। उस सिस्टम में दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस पी वन एंड प्रोसेस पी टू, दो प्रोसेसेज हैं, ठीक है। तो अब हमारे को जैसा डायग्राम से पता लग रहा है, प्रोसेस पी टू ने रिसोर्स टू और रिसोर्स थ्री जो कि सिंगल सिंगल इंस्टेंस के हैं उन दोनों को होल्ड कर रखा है, इसको एलोकेट हो गए, मतलब इन्होंने इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोसेस P2 को पूरा होने के लिए उसको रिसोर्स 1 की भी आवश्यकता है। तो ये क्या कर रहा है, रिसोर्स 1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सिस्टम में रिक्वेस्ट कर रहा है। जो अभी तक अभी रिसोर्स 1 की क्या स्थिति है, रिसोर्स 1 प्रोसेस P1 के पास में लोकेटेड है, ठीक है। तो जब तक प्रोसेस P1 कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक रिसोर्स 1 रिलीज नहीं होगा, और जब तक रिसोर्स 1 रिलीज नहीं होगा प्रोसेस P2 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसी सिचुएशन जहां पर कि मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर किसी प्रोसेस द्वारा कुछ रिसोर्सेज को तो होल्ड कर लिया जाए और कुछ रिसोर्सेज के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, होल्ड एंड वेट सिचुएशन बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन सिस्टम के अंदर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सिस्टम में डेडलॉक आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी कंडीशन हमारे पास में है नो प्रीमिशन। A resource cannot be preempted from a process by force. A process can only release a resource voluntarily. मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स है उसको by force नहीं छोड़वाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो उसने अब जो प्रोसेस है वो कहते हैं बाहर आ जाए और वो अपने रिसोर्सेस को भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। The process cannot preempt resource one from resource process 1, it will only release process 1, relinquish it voluntarily after its execution completion. अब देखिए डायग्राम में इसको थोड़ा सा समझिए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमारे पास में समय पर सिस्टम में रिसोर्स दो हैं, रिसोर्स R1 और रिसोर्स R2, दो रिसोर्सेज हैं, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2, दो हमारे पास में प्रोसेसेज हैं। रिसोर्स R2 प्रोसेस P2 को एलोकेटेड है, जबकि प्रोसेस P2 को कंप्लीट होने के लिए ये रिक्वेस्ट इसके लिए कर रहा है, रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये रिसोर्स R1 किसको एलोकेटेड है, रिसोर्स R1 एलोकेटेड है प्रोसेस P1 को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही कहते हैं प्रोसेस P2 की रिक्वेस्ट आई रिसोर्स R1 के लिए तो फोर्सफुली ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिसोर्स को फ्री कर दे, इसको रिलीज कर दे, प्रिम्प्ट कर दे, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि जो रिसोर्स R1 को लेके प्रोसेस P1 चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन कई जगह पर हो, तो क्या होगा कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ऐसी सिचुएशन में हमारे को क्या होगा, डेडलॉक होने की संभावना बढ़ जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नो प्रीमिशन। चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है दैट इज द सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट क्या है, अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकेंड प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन till the last process is waiting for the resource held by the first process. This forms a circular chain. मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम में मान लीजिए कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं, ऐसी सिचुएशन हो कि रिसोर्स पहला जो है वो प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, फिर उसके दूसरा रिसोर्स दूसरे प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है और पूरे की पूरी चेन बन रही है। जैसा कि अब देखो, अब यहाँ आप डायग्राम से समझ सकते हैं छोटे रूप में कि हमारे पास सिस्टम में दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2, रिसोर्स R1 और रिसोर्स R2, दो तरह के हमारे पास में रिसोर्सेज हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिसोर्स R2 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1, ठीक है, वेयर एज प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग टू रिसोर्स R1। सिमिलरली रिसोर्स R1 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P2
एंड प्रोसेस पी टू इज रिक्वेस्टिंग टू रिसोर्स आर टू। ठीक है, तो आप देखिए एरो से हमारे को नजर आ रहा है एक साइकिल यहां पर फॉर्म हो रही है। ठीक है ना, दिस सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। ठीक है ना, इन द डायग्राम प्रोसेस पी वन इज एलोकेटेड रिसोर्स आर टू एंड इट इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स आर वन। सिमिलरली प्रोसेस पी टू इज एलोकेटेड रिसोर्स आर वन एंड इट इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स आर टू। दिस इज फॉर्म ए सर्कुलर वेट और वेट लूप बन रहा है हमारे पास में। ऑल दिस कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर द ऑक्रेंस ऑफ डेडलॉक्स। इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन फेल देन सिस्टम कैन बी एंश्योर डेडलॉक फ्री। मतलब ये चारों कंडीशन यदि एक साथ होंगी तो ही डेडलॉक होगा, यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम में डेडलॉक होने की संभावना नहीं है। थैंक यू।